दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग। सन 2013 में जब देवेंद्र फडणवीस टीम ने ये मोबाइल फ़ोन इंटरनेट कनेक्शन के हैकिंग ट्रैकिंग का जो मामला शुरू किया, जिसमें उस कनेक्शन पे या उस फ़ोन नंबर पे रहने वाली सारी जानकारी, साउंड, वीडियो, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको मिलती थी, उनके टीम को मिलती थी, उनके सर्विलांस पे रहती थी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्मार्ट टीवी का कैमरा, स्मार्ट टीवी जो सीसीटीवी से अटैच है, जो इंटरनेट से अटैच है, फिर सीसीटीवी के जो कैमरे हैं, कैमराज है, फिर उसके बाद में भी स्मार्ट सिटीज़ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कैमराज है, सरकारी दफ्तरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा और उनके माइक है, ये सारे के सारे ये तंत्र ज्ञान जो है, ये जो स्पाई बहर है उसके प्रभाव में आए थे। और उसमें आने की इसमें पूरी फैसिलिटी उसमें ये स्पाई बहर में है। इसके अलावा जो मोबाइल टावर जो होता है उसका जो कवरेज एरिया जो होता है, वो कवरेज एरिया के बीच में साउंड और वीडियो इसके ऊपर में भी वो सर्विलांस रख सकने तक वो ये जो तकनीक है वो कारगर है, जिसमें जो व्यक्ति का आवाज़ या उसका फेस रिकॉग्नाइजेशन जो इंटरनेट पे किसी चीज़ पर उपलब्ध है, जिसके आधार पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं, या फिर वो सर्विलांस रखने वाले टीम के पास में उसका डाटा उपलब्ध है, ऐसी इंसान किसी भी मोबाइल नंबर से बात करे, अगर वो किसी एक स्पेसिफिक टावर का लोकेशन, टावर का कवरेज एरिया जो है उसको सर्विलांस में रखा, तो वो उसका कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहा है ये भी उनको पता चलता है कि ये कौन सा नंबर इस्तेमाल कर रहा है, किस नंबर से बात कर रहा है, यहाँ तक ये जासूसी में वो हरकतें इसमें हुई है और ये हरकत करने की उसमें प्रावधान वो स्पाईवेयर में है। तो कौन से सरकारी दफ्तर में, कौन से वेब कॉन्फ्रेंस में, कौन से इंटरनल ऑफिशियल मीटिंग में, जहाँ पे भी कैमरा है जिसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन है, वो हर चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी से बाहर निकलकर इनके पास में पहुँच जाने की उसमें गुंजाइश है और ये हरकत इन्होंने की है। तो ये जो फ़ोन हैकिंग और टाइपिंग का जो मामला है, ये इस तरीके से इजरायली या बाहरी तंत्रज्ञान हिंदुस्तान में लाकर उसका इस्तेमाल इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस टीम ने किया है। इसमें जो चीज़ मैंने देखी है इन लोगों ने की हुई, उसमें कुछ जजेस का पर्सनल डाटा, उनके बच्चों का पर्सनल डाटा, उनके निकटवर्तियों का पर्सनल डाटा, फिर कुछ मिनिस्टर्स का और कुछ पॉलिटिशियंस का पर्सनल डाटा, ये सारी चीज़ें, इसका डाटा उनके पास में उपलब्ध है। और इसी स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने जो बिजनेसमैन लोगों का डाटा इकट्ठा किया, उसमें जो उनकी वीकनेस ढूंढने वाला जो डाटा है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने कई बिजनेसमैन से करोड़ों रुपये घूस के तौर पर उनको कार्रवाई का डर दिखाकर वसूले हैं जब ये सरकार में थे महाराष्ट्र के। और साथ ही इनकी जितनी भी संस्थाएं हैं, इनके संगठन की संस्थाएं, इनके नज़दीकी लोगों की संस्थाएं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनके खुद के जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इसके ये ट्रस्ट को मिला हुआ डोनेशन, इनके ट्रस्ट को, इनके ट्रस्टों के हॉस्पिटल्स को मिला हुआ डोनेशन, इनके ट्रस्ट को, इनके हॉस्पिटल्स को मिला हुआ CSR फंड, ये सब ऐसे ही डर का नतीजा है जो उन्होंने कुछ कंपनियों को, कुछ बिजनेसमैन को डर दिखाकर उनसे ये प्राप्त किया है। इनको जितना भी डोनेशन और जितना भी CSR फंड मिला है उसमें से कुछ व्यक्ति जो है, कुछ बिजनेसमैन जो है, वो इस हरकत के शिकार है। तभी इनकी जो ट्रस्ट, जिसकी संपत्ति अगर 2013 में 1 लाख रुपए थी सिर्फ, वो आज दो हज़ार करोड़ बन गई है। अब बात रही इसके सबूत ढूंढने की, तो जब सरकार में ये आदमी थे और इन लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है वो गैरकानूनी तरीके से खरीदी की है, इसराइल की ये तंत्र ज्ञान इन्होंने इसराइल से और उसकी डिलीवरी अमेरिका में, हिंदुस्तान में प्राप्त की, और पैसों का लेन देन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये अभी के स्थिति में अमेरिका से शुरू है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने अपने रिश्तेदारों को अमेरिका में सेटल कर रखा है। तो इसके पैसों का कोई भी लेन देन सरकारी तौर पर खरीद बिक्री के सबूत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी भी लेके जोखे में मिले, ये पॉसिबल नहीं है।
उसी तरीके से अगर कोई कह रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके सबूत मिलेंगे, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी ये सब हरकतें करते वक्त इसके लेखा जोखा का हिसाब रिकॉर्ड पे रखे खुद के खिलाफ में, ये कॉमन सेंस को नहीं पटता और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके से गुप्त तरीके से इलीगल तरीके से की गई थी। तो इसके सबूत जो है खरीदने के, जिसके लिए गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा गया है या गवर्नमेंट रिकॉर्ड से पैसा गया है, ये सबूत मिलना नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो तंत्रज्ञान जो है वो फडणवीस टीम ने इलीगल तरीके से इसराइल के लोगों से उसकी डिलीवरी हिंदुस्तान में या यूएस में, और पैसे जो है वो यूएसए से उनको अभी तक अभी जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने उनकी यंत्रणा वहाँ पे बना के रखी है, ये अभी की स्थिति है। और ये जो हैकिंग ट्रैकिंग जो है उसका अपने सामने सिर्फ एक नाम आया है, पिगासिस। तो ये पिगासिस इकलौता ही स्पाइवेयर नहीं है, ऐसी कई छुपी चीजें जो है इस तरीके की जो अभी भी इस्तेमाल है, उसमें से पिगासी से एक है। तो एनएसओ और एनएसओ ये इकलौती एक कंपनी नहीं है सारी चीजें करने वाली। और रही बात वो सप्लायर कंपनी, इनके पास में सबूत देगी नहीं किसी भी सरकार के पास में कि हमने ये हरकत की है, और ये कुछ कबूल करेंगे नहीं कि हमने ये हरकत की है। तो ये कितना भी कुछ कहे, इसराइल सरकार कितना भी बोले कि हम इसकी ट्रांसपेरेंट तफ्तीश करेंगे, तो कोई भी सरकार उनके इंटरनल मामले जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बदनामी छुपाने के लिए वो कोई मान्य करने वाले नहीं है। और वैसे भी अपने इवन हिंदुस्तानी कानून में आर्टिकल 20(3) में प्रावधान है कि हम, या आर्टिकल 20 अगर भारतीय संविधान का पढ़ेंगे तो किसी भी आदमी को उसके खिलाफ में सबूत देने के लिए आप उसको बाध्य कर नहीं सकते। तो इस यही चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के लिए भी है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि उन्होंने चीज की है वो उसको स्वीकार करें, क्योंकि वो आपराधिक कृत्य हुआ है, आपराधिक कृत्य को कोई भी स्वीकार करके खुद को सजा प्राप्त नहीं कर लेगा। इसलिए इस मामले में जो है जो ऑफेंस रजिस्टर्ड है, जो पीड़ित है, इनसे रिवर्स इंजीनियरिंग जिस तरीके से होती है उस तरीके से इसमें तफ्तीश होके ही हम उस मेन मुद्दों के पास में पहुंच पाएंगे, और पिगासिस और उसके समान अन्य मामले जो है वो इससे जनता के समक्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जनता के समक्ष आ पाएंगे। तो अभी की स्थिति में देवेंद्र फडणवीस की जो टीम है वो अभी गुप्त तौर के तरीके से अभी तक काम कर रही थी, और इसके सबूत जो है वो हमारे पास में उपलब्ध है, हमको अगर जब सरकार पूछेगी तो हम ज़रूर ये सबूत देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्पाईवेयर की हरकत को इसराइल सरकार से कुछ न्याय मिले इसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में इनके जो पार्टी जो अभी सत्ता में है उनसे ये कोई न्याय मिलेगा और वो अपने पार्टी की बदनामी कराएंगे, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है ये चीज बाहर आने की इकलौती एक गुंजाइश है कि महाराष्ट्र सरकार या फिर जहाँ पे ये पिगासिस स्पाइवेयर या अन्य स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ की सरकारें इसका इन्वेस्टिगेशन करके सच बात जनता के समक्ष ला सकती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल कवरेज इसको कहने के अलावा ये पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ये हरकत को, ये इलीगल चीज को मिल रहा है, और इस कारण ये चीज इसमें की सच्चाई जनता के समक्ष नहीं आ रही। श्री महावीर एजुकेशन सोसाइटी नागपुर द्वारा संचालित तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल एजुकेशन मुंबई आणि इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेस प्रशिक्षण GNM जनरल नर्सिंग मिडवाफरी कोर्से 3 वर्षे 30% जागा मुलांसाठी आरक्षित आहे। प्रवेश पात्रता 12वी पास, कला वाणिज्य व विज्ञान, वयोमर्यादा 17 ते 35 वर्षे, 12 महिन्याच्या प्रायव्हेट कार्याचे सुद्धा प्रशिक्षण दिले जाते। भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन तर्फे पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती SC/ST देण्यात येईल। 100% नोकरीची हमी, संस्थेची वैशिष्ट्ये, तज्ञ व अनुभवी शिक्षक, थिअरी शिक्षणासोबत जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रशिक्षण व प्रॅक्टिकल्स देण्यात येईल। प्रख्यात खासगी रुग्णालयात प्रॅक्टिकल्स प्रशिक्षणाची सोय, सुसज्ज लायब्ररी, वसतिगृहात राहण्याची सोय, स्वस्त व सुरक्षित हॉस्टेल सोबत बस सुविधा उपलब्ध, मोफत इंग्रजी स्पीकिंग आणि बेसिक कम्प्युटर कोर्स। प्रत्येक विद्यार्थ्यांना डॉक्टरांच्या सेमिनार मार्फत मार्गदर्शन देण्यात येईल। विद्यार्थिनीसाठी सुरक्षित व भव्य हॉस्टेल, स्वच्छ परिसरात ज्ञानार्जन करण्याची हमी आहे। संपर्क संचालिका डॉक्टर शीतल वालमंडरे
07122706212 9890425056 9860861280 8669055406 तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग 8889 न्यू इंदिरा कॉलोनी साईनाथ शारी समोर भगवान नगर नागपुर 440027